आज हम देखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ट्रिक से कैसे याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। अगर बड़ी मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, जैसे डी ब्लॉक में मैं डी ब्लॉक पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उधर वहाँ देख सकते हैं, मोस्टली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं एसिडिक ऑक्साइड मेटल के। और बेसिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, और डी ब्लॉक के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड N2O, NO, CO, OF2 और वाटर अकॉर्डिंग टू pH। न्यूट्रल ऑक्साइड का मीनिंग ये है कि ये ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना बेस से रिएक्ट करेंगे। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब या हाइड्रोक्साइड का मतलब वो है जो एम्फोटेरिक का ही मीनिंग वही होता है जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस से भी रिएक्ट कर जाए। अब आगे देखते हैं इन्हें कैसे याद रखेंगे। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं और एस करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ एक चीज अलग मिलेगी, ये वाली, ये क्रोमियम प्लस 3 में एम्फोटेरिक है। ठीक है, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लस 5 में एम्फोटेरिक है। जो मैं डी ब्लॉक में वीडियो बनाया हूँ वहां भी मैं इस चीज को मेंशन किया हूँ कि उनकी एसिडिक बेसिक कैसे हम देखते हैं और एम्फोटेरिक वहां कैसे देखते हैं, वहां आप देखोगे तो यहाँ भी वो चीज मेंशन किया हूँ मैं और वहां भी बताया हुआ हूँ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज ऑक्साइड आर ऑल्सो ऑलवेज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।